और बात करते हैं चुनावी चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और बहुत स्वागत है आप सभी का पर्चा पर चर्चा में। चुनाव की बारी है और कांग्रेस की ब्लॉक लेवल तक तैयारी है। कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट प्लान बनाया है, हर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पर दावेदार ढूंढे जा रहे हैं और दावेदारी जताने वाले नेताओं का मजमा भी लगा हुआ है। चौमू सीट से तो 100 से ज्यादा दावेदारों ने फॉर्म भरा है, फिर भी सवाल यही है कि क्या ब्लॉक लेवल पर स्क्रीनिंग से कांग्रेस को विनिंग उम्मीदवार मिलेंगे। कांग्रेस के एक एक दावेदार का सटीक विश्लेषण करेंगे और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमने अभी कल ही चर्चा की थी जयपुर शहर की उन 5 अहम सीटों को लेकर और उस पर जो उम्मीदवारी जता रहे हैं, दावा कर रहे हैं उनके बारे में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण को लेकर। और चलिए शुरुआत झोटवाड़ा सीट से ही करते हैं। ब्लॉक लेवल पर जो नेता तैयारी कर रहे हैं, क्या तस्वीर झोटवाड़ा से नजर आई? देखिए, मोटे तौर पर झोटवाड़ा से सबसे बड़ा नाम लालचंद कटारिया का है और वो अभी इस वक्त कृषि मंत्री हैं गहलोत सरकार में। बड़ा फेस है, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके यूपीए सरकार के दौरान। और अगर लालचंद कटारिया ने खुद औपचारिक तौर पर दावेदारी नहीं की है, लेकिन पर्दे के पीछे नाम लालचंद कटारिया का ही है। अगर लालचंद कटारिया आमेर शिफ्ट नहीं होते हैं तो वो झोटवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चाएँ पूरे झोटवाड़ा के अंदर है। दूसरा बड़ा नाम वहाँ पर राजेश चौधरी का है, जो कि सचिन पायलट के बेहद खास हैं, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भी हैं जी। और कहा जा सकता है कि वो पायलट कैंप से यहाँ पर लालचंद कटारिया के सामने चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा नाम मुकेश वर्मा का है, जो कुमार कुमावत समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री गहलोत के बहुत करीबी हैं, उनकी कोर टीम में भी शामिल रहे हैं। कहा जा सकता है कि एक ये भी नाम है कि बड़ी संख्या में झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर मूल ओबीसी के मतदाता भी रहते हैं, खासतौर से कुम्हार वर्ग के। 30,000 से भी अधिक जनसंख्या इनकी बताई जाती है। और पूरा जातिगत समीकरण देखें तो वहाँ राजपूत, जाट और कुम्हार ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में वहाँ पर झोटवाड़ा में निवास करते हैं। लालचंद कटारिया के परिवार से एक बार उनके भाई की पत्नी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, रेखा कटारिया ने, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। लालचंद कटारिया ने पिछला चुनाव लड़ा, वो जीते। हरीश यादव है, युवा कांग्रेस के नेता, वो भी यहाँ से श्वेता दावेदार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लालचंद कटारिया ही मजबूत फेस है और वो फेस भी हैं खासतौर से, जो कहा जा सकता है पहली सूची जो कांग्रेस की होगी उसमें ये नाम आ सकता है। लेकिन कमोबेश यहाँ पर लालचंद कटारिया अपनी सीट को लेकर अनमने हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एक संशय झोटवाड़ा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पिछले कई दिनों से है और ये भी चर्चाएं हैं कि वो आमेर की ओर जा सकते हैं। आमेर जो कि लालचंद कटारिया वहाँ से भी एक बार विधायक रह चुके, उनके पिता राम प्रताप कटारिया भी आमेर के विधायक रह चुके, तो वो पेरेंटल सीट भी है। अभी झोटवाड़ा में जो लालचंद कटारिया का निवास है वो झोटवाड़ा के अंदर ही है। और कहा जा सकता है कि जो रूरल बेल्ट है, जो खासतौर से जोबनेर तक के इलाकों तक ये फैला हुआ है पूरा इलाका, और अर्बन भी बड़ी संख्या में है और ख़ास तौर से रूरल वोट भी बड़ी संख्या में है। बीजेपी की ओर से राजपूत चेहरा ही कमोबेश यहाँ पर उम्मीदवार रहता है। राजपाल सिंह शेखावत यहाँ से कई बार विधायक रहे, पिछले चुनाव में उन्हें लालचंद कटारिया के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी और इस बार भी कई बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी से तैयारियों में जुटे हैं। खासतौर से हम बात कर लें तो नाम आता है राजपाल सिंह शेखावत का भी आता है यहाँ पर, और भी कई नाम है जी। बिल्कुल, यानी ये तो तय है कि लालचंद कटारिया चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट को लेकर संशय है कि वो आमेर भी जा सकते हैं या झोटवाड़ा से ही। लेकिन अगर कोटपुतली की बात करें, कोटपुतली से भी क्योंकि माने जा रहे 6 दावेदार यहाँ पर हैं, कितनी अहम सीट ये रहेगी दावेदारों के लिहाज से अगर बात करें तो सिलेक्शन को लेकर? देखिए श्वेता, कोटपुतली खासतौर से जिला बनने के कारण बहुत चर्चा में है और मुझे लगता है कि मंत्री राजेंद्र यादव जो कि गृह राज्य मंत्री भी है, इसके साथ ही उच्च शिक्षा का महकमा भी उनके पास है, मुख्यमंत्री गहलोत के नज़दीक हैं, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के नज़दीक हैं, और राजेंद्र यादव बड़ा नाम है और कोटपुतली जिला बनाने का क्रेडिट भी इनके खाते में जा रहा है। तो मुझे यही लगता है कि कोई चुनौती इनके सामने बड़ी नहीं है कोटपुतली में। और भी कई नाम चर्चाओं में हैं, लेकिन राजेंद्र यादव ही
प्रमुखता से नाम सामने आ रहा है और मुझे ये कहते हुए कोई संशय भी नहीं है कि कांग्रेस की जो पहली सूची होगी उसमें राजेंद्र यादव का नाम सामने आ जाएगा। जो भी पहली सूची आएगी राजेंद्र यादव का नाम मुझे लगता है वो पहले सूची में ही होगा और राजेंद्र यादव खासतौर से यादव मतदाता बड़ी संख्या में कोटपुतली में निवास करते हैं, उसके बाद गुर्जर समाज बड़ी तादाद में यहाँ पर निवास करता है और सामाजिक तौर पर भी यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला रहता है वो यादव समाज और गुर्जर समाज के बीच रहता है। बीजेपी मुझे लगता है गुर्जर समाज के किसी लीडर को यहाँ टिकट दे सकती है, चुनावी समर में उतार सकती है। जी बिल्कुल, यानी ये मान सकते हैं कि कोटपुतली हो या झुटवाड़ा हो, ये ऐसी सीट और ऐसे नाम है जहां से दूसरों उम्मीदवारों के लिए मुश्किल हो सकती है टिकट मिलने को लेकर, क्योंकि यहां पर जो नाम है वो बड़े नाम है और तय माने जाते हैं। लेकिन अगर शाहपुरा की बात करें योगेश जी, शाहपुरा में ज्यादा उम्मीदवारी पेश नहीं की गई है इस सीट से, दो या तीन नाम। देखिए कोटपुतली के बारे में श्वेता एक बात और बता दूं जी, आपने नाम सुना होगा सुनील बंसल का, जो कि बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तेलंगाना के इंचार्ज हैं, वो कोटपुतली के ही मूल निवासी हैं, कोटपुतली के पास ही उनका गांव है और कोटपुतली में पिछली मर्तबा जो बीजेपी ने टिकट दिया था वो उन्हीं के खास जो लीडर हैं उनको बीजेपी ने टिकट थमाया था, लेकिन राजेंद्र यादव चुनाव जीते थे। बात शाहपुरा की करें तो शाहपुरा से अभी निर्दलीय विधायक है आलोक बेनीवाल, वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर कमला जो गुजरात की राज्यपाल रह चुकी, त्रिपुरा की राज्यपाल रह चुकी और राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री रह चुकी, और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा नाम डॉक्टर कमला का रहा, खास तौर से किसान कम्युनिटी के बीच भी, और वनस्थली विद्यापीठ से जो पढ़ने वाली पहली प्रमुख जो छात्राएं हुआ करती थी उस ज़माने में राजस्थान में, खास तौर से बालिका शिक्षा को लेकर ज़्यादा उन्नति नहीं थी, लेकिन डॉक्टर कमला बहुत कहा जा सकता है मेधावी रही और वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी हुई हैं और बाद में वो राजनीति में आई, लगातार वो कई चुनाव उन्होंने शाहपुरा से जीते। आलोक बेनीवाल उन्हीं के बेटे हैं, कांग्रेस पार्टी से वो टिकट मांग रहे हैं, अशोक गहलोत कैंप में वो शुमार हैं और साथ ही उनको चुनौती दे रहे हैं मनीष यादव, जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे पिछली मर्तबा, वो हार गए थे आलोक बेनीवाल के सामने। मनीष सचिन पायलट कैंप में गिने जाते हैं, सचिन पायलट के साथ उनका खास तौर से एक एसोसिएशन है और ये भी कहा जा सकता है कि मनीष यादव को सचिन पायलट टिकट दिलाने के लिए पूरी पैरवी भी करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर मनीष यादव के बाद अगर जो तीसरा बड़ा नाम है संदीप सिंह चौधरी का, संदीप सिंह चौधरी जो कि अभी बंजर बोर्ड के चेयरमैन बना रखे हैं राजस्थान के अंदर और मुख्यमंत्री गहलोत के नज़दीक ही हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और राहुल गांधी के करीबी है, उनकी भी संदीप सिंह चौधरी करीबी है, तो संदीप सिंह चौधरी एक उभरता हुआ नाम यहाँ पर कोटपुतली में है। और लेकिन यहाँ पर चुनौती है किसको टिकट मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, क्या कांग्रेस निर्दलीय को कांग्रेस का टिकट थमाएगी या मनीष यादव पर दाव चलेगी या संदीप चौधरी के तौर पर नए चेहरे को सामने लाएगी, क्योंकि यहाँ जाट यादव कम्युनिटी बड़ी संख्या में निवास करती है। और मनीष यादव का बैकग्राउंड भी बता देते हैं आपको कि वो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और विद्यार्थी परिषद से थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में आए, डॉक्टर सीपी जोशी से जुड़े, बाद में सचिन पायलट कैंप में आए, कांग्रेस का टिकट मिला लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। बिल्कुल, एक्सरसाइज इस सीट पर करनी पड़ेगी कांग्रेस को। लेकिन अगली सीट की हम बात करें, जयपुर ग्रामीण की चौथी सीट की हम जिक्र कर रहे हैं, दूदू सीट। अब दूदू को तो लेके कहा जाता है कि बस बाबूलाल नागर और उसके आसपास कोई नहीं, इस बार क्या तस्वीर नजर आती है उम्मीदवारी को लेकर? देखिए बहुत दिलचस्प बात है कि जो पिछली बार चुनाव लड़ा था नीतीश बैरवा ने और बाबूलाल नागर के सामने हार गए थे, वो चुनाव बड़े अंतर से हार गए थे, और रितेश बैरवा ने अब की बार दावेदारी को लेकर कोई सक्रियता गंभीरता दिखाई नहीं, और जिला बनने के बाद वहाँ बाबूलाल नागर की जो खास तौर से एक उनका वजूद बड़ा है, क्योंकि ग्राम पंचायत दूदू है उसको उन्होंने जिला बनवा दिया, तो ये क्रेडिट बाबूलाल नागर के खाते में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बाबूलाल नागर यहाँ पर बड़ा चेहरा है और कांग्रेस का टिकट उन्हीं को मिलेगा, इसमें कोई शक शुबा नज़र नहीं आता। हालांकि वो अशोक गहलोत कैंप में आते हैं, अशोक गहलोत को अपना पॉलिटिकल गॉडफादर मानते हैं और इस पूरे दूदू बेल्ट में उनकी तूती भी बोलती है, तो बाबूलाल नागर के सामने शायद कोई कहा जा सकता है कि मुश्किल बीजेपी को आ रही है कि वो किस कैंडिडेट को चुनावी समर में उतारे। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार का अभाव दूदू में नज़र आ रहा है, कांग्रेस में मुझे लगता है बाबूलाल नागर लगभग फाइनल है। जी
ठीक है, और जंबा रामगढ़ की बात करें तो जंबा रामगढ़ में भी 3 से 4 नाम ही माने जा रहे हैं। देखिए, जंबा रामगढ़ ST की सीट है, ST रिजर्व सीट है, और गोपाल मीणा जो जयपुर देहात कांग्रेस के अध्यक्ष भी है वो यहाँ से विधायक हैं। गोपाल मीणा युवा नेता हैं, पहले भी वो विधायक रह चुके, पिछली मर्तबा उनका टिकट कट गया था, तब शंकरलाल मीणा ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। शंकरलाल मीणा को सचिन पायलट कैंप से टिकट मिला था, इस बार गोपाल मीणा को टिकट मिला है और गोपाल मीणा ने चुनाव में जीत दर्ज की। मुझे लगता है कि गोपाल मीणा के टिकट में ज़्यादा अड़चन नहीं आनी चाहिए। हालांकि दावेदार यहाँ पर, श्वेता आप सूची देख रही होंगी, तो बड़ी संख्या में यहाँ दावेदार करीब 10 नाम नज़र आ रहे हैं अभी, अगर जंबा रामगढ़ की बात करें तो। बिल्कुल, 10 नाम नज़र आ रहे हैं और ये कांग्रेस माइंडेड सीट रही है लंबे अरसे से, आज़ादी के बाद से ही। पहले जनरल सीट थी, तब भी यहाँ पर कांग्रेस विचारधारा के नेताओं ने बड़ी जीत दर्ज की, और जब ST रिजर्व हो गई तब यहाँ से कांग्रेस पार्टी ज़्यादा बार जीती है। गोपाल मीणा खुद 2 बार विधायक रह चुके हैं और अभी जयपुर शहर कांग्रेस देहात की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, और अशोक गहलोत के नज़दीक हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं से, बड़े नेताओं से उनके रिश्ते अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल मीणा के टिकट को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली और उन्हें कांग्रेस पार्टी फिर से चुनावी समर में उतारेगी। हालांकि मजबूत चुनौती उनकी पार्टी के शंकर मीणा और टिकाऊ जो कैंडिडेट है, जैसे गोपाल मीणा का भी कहीं आप जिक्र कर रहे हैं, 2 बार से लगातार जीते, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए तो कोई मुश्किल इन्हें भी सोचने की नहीं होगी आलाकमान की, कि हम इनका टिकट बदले या काटे, क्योंकि लगातार तो जीत दे ही रहे हैं। ये बात सही है श्वेता कि जहाँ पर ज़्यादा विवाद नहीं है और जहाँ पर लगता है कि अब के बार विनिमेबिलिटी का सिद्धांत लागू होगा, जिताऊ का सिद्धांत लागू होगा, और किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं बनेगा, कोई फॉर्मूला बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब के बार अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि जिताऊ ही जो सब्जेक्ट है वही फॉर्मूला होगा, जो विनेबल होगा उसको कांग्रेस पार्टी टिकट थमाएगी, क्योंकि ये चुनाव बहुत क्रूशियल इलेक्शन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चाहे कांग्रेस पार्टी के लिए हो। तो जयपुर देहात का इलाका, ये कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में यहाँ बड़ी जीत दर्ज मिली की थी पूरे, आप देखें यहाँ दिल्ली तक आप जाएंगे, जयपुर से अगर शुरू करेंगे तो चाहे आप जम्मा रामगढ़ से निकलें, चाहे आप आमेर से निकलें, आमेर में ज़रूर सतीश पूनिया BJP के बड़े नेता, उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन उसके आगे आप जाते जाएंगे, चाहे फिर विराटनगर का इलाका आ गया, कोटपूतली का आ गया, और आप लगातार जाएंगे, आप बानसूर तक पहुँचेंगे, कांग्रेस के विधायक वहाँ आपको नज़र आएंगे इस पूरी पट्टी के अंदर। तो मुझे लगता है कि अब जयपुर देहात में जिस तरह का प्रदर्शन पिछली बार कांग्रेस पार्टी का रहा था, उस प्रदर्शन के आसपास फिर कांग्रेस पार्टी पहुंचे, यही कोशिश यहां कांग्रेस की रहेगी। और जहां पर कैंडिडेट की तस्वीर साफ नजर आ रही है, जो जिताऊ है, लगातार जीत रहे हैं, जहां ज्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज्यादा दावेदार नहीं है, ऐसा लगता है कि जो सूची आएगी पहली, उसमें इन नामों को ही, इस कैटेगरी को ही पहले क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो उन पर चर्चा कर बाद की सूची में वैसे नाम सामने आए। बहरहाल बहुत शुक्रिया योगेश जी इस चर्चा के लिए। पर्चा पर चर्चा लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हमने जयपुर शहर की कुछ सीटों का जिक्र किया था, आज जयपुर ग्रामीण की कुछ सीटों पर हमने बातचीत है, लेकिन सीट्स बहुत है, पर्चा दाखिल किया गया है, उसका भी विश्लेषण करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।